साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज लेकर आया है पैरामेडिकल काउंसिल और सरकारी नौकरियों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम। EMLT रेडियोलॉजी टेक्नीशियन हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में एडमिशन जारी है। हमारा पता याद रखें, साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज रूबी सिटी स्कैन के ऊपर मोची कॉर्नर। पुलिस स्टेशन की ओर से जिनको तड़ीपार किया गया था, ऐसा आरोपी नवीन टकरिया को पुलिस तड़ीपार होने से यहाँ पे वो घूम रहा है क्या, ये जब ढूंढ रही थी तो वो यहाँ पे मिल के आया, और जब मिल के आया तो उसके पास एक बंदूक और एक चॉपर भी मिलने से उसके खिलाफ तड़ीपार होने के बावजूद गांव में घूमना और उसके तरफ जो शस्त्र मिले हैं उसके तहत पावरवाड़ी पुलिस स्टेशन में कल्लू स्टेडियम के नज़दीक वो मिलने से उसके ऊपर गुनाह दाखिल किया है। दूसरी जो पावरवाड़ी पुलिस स्टेशन की वारदात है, उसमें एक मोबाइल किसी व्यक्ति का छीन लिया गया था, जबरी चोरी हुई थी, उसमें भी नवीन टकारी और उसके साथीदारों का नाम निष्पन्न होने से उसको भी ये गुने में आरोपी निष्पन्न करके अरेस्ट की गई है। उसमें जो मोबाइल जबरी चोरी हुआ था उसके साथ साथ जब तफ्तीश की गई तो बाकी और दो आरोपी और उनकी तरफ दूसरे 15 मोबाइल, ऐसे कुल मिला के 16 मोबाइल उसमें से हमने बरामद किए हैं। और तीसरा जो गुना है वो सिटी डिवीज़न के अंतर्गत ही आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ है, उसमें भी नवीन टकरिया और उसके जो अलग साथीदार, उनको जब एक मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी, वो मोटरसाइकिल चोरी के सिलसिले में दाखिल गुने के तपास में नवीन टकरिया का नाम आने से उसको भी इस गुने में आरोपी निष्पन्न किया गया, और उसके तरफ से जो मोटरसाइकिल चोरी हुई थी वो बरामद की गई। उसको और उसके साथीदारों को जब ज़्यादा पूछताछ की गई तो उनकी तरफ ये मोटरसाइकिल के बहुत साथ साथ दूसरी और 5 मोटरसाइकिल भी हमको तपास में मिली है, वो भी बरामद की है। कुल मिला के पावरवाड़ी पुलिस स्टेशन के 2 गुने और एक आज़ाद नगर का गुना, ऐसे सब तीनों गुने मिला के नवीन टकरिया और उसके अलग अलग 3 साथीदार 4 साथीदार, उनकी तरफ से तीनों गुने में मिला के 1 पिस्तल, 1 चॉपर, 6 मोटरसाइकिल और 16 मोबाइल बरामद किए गए हैं। पावरवाड़ी पुलिस स्टेशन और SDPO सिटी डिवीज़न तेगबीर संधु साहब, सुधीर पाटिल साहब, उनके जब सभी स्टाफ के लोगों ने और आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन के प्रभारी बौरे साहब और उनके सब स्टाफ ने ये कार्रवाई में नवीन टकरिया की जो एकदम नाम चल रहा था कि उसके गुने हो रहे हैं और पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं हो रही है, एक साथ में उसकी तरफ से कार्रवाई भी हुई है और उसके और कोई साथीदार है क्या, उनके तरफ से और कोई गुने किए गए हैं क्या, इसके भी हम मालूमात ले रहे हैं। अभी जो मोटरसाइकिल और मोबाइल हमने बरामद किए हैं उनके नाम, मोबाइल का कलर, कंपनी, मोटरसाइकिल का मॉडल, ये सब की मालूमात आपको शेयर की जाएगी। जिन किन लोगों के ये मालूमात में मोबाइल और मोटरसाइकिल मालकी के हैं वो अपने अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट लेके आने से हम कोर्ट का परमिशन लेके उनको वापस करने वाले हैं।